वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आशा, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से कुछ भी वीडियो मैंने नहीं शूट किया था। तो सबसे पहले तो आ गया है 2024, तो सबसे पहले आपको आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई नो बहुत ज़्यादा दिन बहुत दिनों के बाद विश कर रही हूँ, क्योंकि ना एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बिजी शेड्यूल था काफ़ी, और कुछ काम थे तो इस मारे नहीं हो पाया। तो अब मैं आ गई घर के अंदर। तो फिर ये ना लोगो है, और मेरे ने वीडियो है जो मतलब ज़्यादा पुरानी था, पुरानी लगा लो, मतलब 2-3 महीने पुरानी वीडियो है। मतलब मैं गई थी, कहाँ गई थी अब देख लो जो भी है। तो मैंने उसमें मतलब इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, इसलिए मैं पहले ये कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जो शूट है वो पहले का मेरा रिकॉर्डिंग थी तो वेस्ट जाएगी, तो मैंने सोचा उसी का क्यों ना ब्लॉग बना लिया जाए, तो वो जो होगी इसलिए। तो ये इंट्रोडक्शन 2024 का है, और जो वीडियो है वो पिछले मतलब दिसंबर के लास्ट की होगी, तो इसलिए तो प्यार देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो मैं कार पे बैठ चुकी हूँ, निकल पड़ी हूँ। तो मैं जा रही हूँ वृंदावन, और मैं इंजॉय करते जा रही हूँ नज़ारों को। तो हम दोपहर मतलब मॉर्निंग पे 10:30-11 बजे के बीच निकल चुके थे, और हम पहले तो सोच रहे थे हम कि जो रास्ता हमें पता है हम वो उसके थ्रू जाएंगे। फिर हमने सोचा जीपीएस में देखते हैं जहाँ हमें जाम ना मिले, लेकिन इस जीपीएस ने तो हमें बहुत ज्यादा घुमा दिया। और ये आप देख सकते हो मैं कितना इंजॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है लॉन्ग ड्राइव पे ऐसे सॉन्ग सुनते हुए। तो ये आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, अभी हम उतरे हैं पेट्रोल में सीएनजी पंप में, तभी हम सीएनजी फुल कराते हैं, फिर चलते हैं सफर की। और तो फ्रेंड्स, हमने करवा लिया है गाड़ी में टैंक फुल, और अब हम बैठ गए। अब हमने सोचा था अब हम नहीं रुकेंगे, तो हम बैठ गए। तो यहाँ आ रही रवि को नींद, वो थक गया था क्योंकि काफी लॉन्ग ड्राइव था इसलिए। और आप देख सकते हैं, मैं तो फुल पहले मैं सोच रही थी फुल वीडियो बनाऊं, व्लॉग बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा बहुत ज़्यादा लंबा होगा, वहीं पहुंच के बनाऊंगी। तो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि जीपीएस के चक्कर में हम रियली में बहुत ज़्यादा, और मैं यहाँ पे इंजॉय करते हुए। तो आप देख सकते हो, ये हम पहुँच गए हैं गुड़गांवा साइड, आप देख ही सकते हो, पहचान जो लोग गुड़गांवा से गुजरते होंगे वो पहचान गए होंगे, यह गुड़गांवा का हाईवे। और ये जीपीएस ने ना हमें कोई शॉर्टकट के रास्ते में किसी गांव के रास्ते पहुंचा दिया था, तो यहाँ से हमें मतलब टोल तो मैं क्रॉस नहीं करना पड़ा क्योंकि अंदर ही अंदर से था, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा पड़ गया था ये हमें सीरियसली। और इसी बहाने मैंने जो हरियाणा के गांव होते हैं ना वो देखे, आप देख सकते हो पूरी तरफ खेती बाड़ी, मतलब जैसे कि है जो खेत वगैरह है लोगों के। और ये अब मैं सोच रही थी कब हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचे और कब रिलैक्स भी करें, और जल्दी ना खाना जिस मिले। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा, हमने गूगल मैप से देखा था, तो जीपीएस में जो रास्ता था बहुत ज़्यादा लंबा निकल गया। और अभी हम पेट्रोल भराने रुके थे तो सोचा वॉशरूम वगैरह हो लेते हैं, तो बस चलते हैं। या आप देख सकते हो आरती और मैं हूँ, और सच में बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। यही है क्या? ये लेडीज वॉशरूम किधर है? ये रही। तो भी हम वॉशरूम के लिए उतरे हैं, तो बस फिर थोड़ा तो फ्रेशन अप होके फिर निकलेंगे मंजिल की। और ये आप देख सकते हो काफ़ी क्लीन और साफ है, अच्छा है मतलब। तो बस वीडियो को ना चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं कितना लंबा व्लॉग कब तक डालूंगी, आई डोंट नो। तो बस इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता, और मैं तो कार पे सो भी गई थी अभी उठी। और ये है मेरा आज का आउटफिट, और नीचे पैंट्स पहनी है, ऊपर एक शर्ट डाली है। तो राधे राधे दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ वृंदावन की नगरी, ये आप देख सकते हो हम एंटर कर गए थे। और अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट लगी हुई है, तो यह 4-5 बजे का टाइम था जब हम पहुंचे थे, तो अब देख सकते हो शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम ना मंदिर बंद होते हैं, तो आई थिंक 5 बजे के तक करीब खुलते, लेकिन हम इसी वक्त पहुंचे थे तो हम काफी टायर्ड थे, तो पहले हम रेस्ट करना चाहते थे। तो फिर आप जानते होंगे
आपको वृंदावन जैसे कि आप बहुत से लोग गए होंगे तो पता होगा यहाँ पे काफी चीप प्राइस में जैसे कि लॉज वगैरह या होटल मिलते हैं। तो हम भी देख रहे थे कि हमें कोई यहाँ पे मिल जाए, तो हम थोड़ा ये आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट है। और हेलो मैं गाइस, बहुत वेलकम ज्यादा बैक टू माय एक्साइटेड थी चैनल। क्योंकि मैं मेरा हर्षा, फर्स्ट टाइम कैसे हो आप था। सब? तो राधे राधे दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ वृंदावन। जी हाँ, वृंदावन। तो मैंने अब व्लॉग मैंने पहले से शुरू करा, लेकिन अब मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो ये हमने देख लिया है रूम, अभी थोड़ा क्लीनिंग करेंगे, जाएंगे फिर आपको दिखाती हूँ रूम कैसा है क्या है जो भी है। वैसे भी हम यहाँ घूमने आए कोई, तो बस थोड़ा सा यहाँ वेटिंग कर रहे हैं हम। बाकी बिहारी जी से मिलने, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने होटल का रूम, जो तो हमने रूम ले लिया है। तो ये है कुछ इस तरह से बाउंड्री, और ये आप देख सकते हो ये है अलमीरा बनी हुई है। ये सामने बेड है, सामने एलसीडी पैनल ले सकते हो आप, जो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। और बाहर आएंगे तो ये कुछ इस तरह से विंडो है, और ये गार्डन है। और ये देख सकते हो बाहर का इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत आते हैं, इस हमारे इन्होंने कवर कर दिया है, तो हमें कोई डर नहीं है। बंदर देखो लो। हाय फ्रेंड्स, तो मैं आ गई वृंदावन। जैसे मैंने कहा तो मैंने ले लिया है यहाँ पे रूम, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने होटल का रूम। तो ये आप देख सकते हो ये है बेल और कमरा नंबर 203 पे। तो ये है ओपन कर लेते हैं, ये आप देख सकते हो इस तरह से। सॉरी थोड़ा लाइट का इशू होगा। और ये देख सकते हो ये वॉशरूम है, और ये इस तरह से एंटर करेंगे तो ये देख सकते हो। यहाँ पर मैंने अपना पर्स वगैरह और जो कुछ कपड़े वगैरह ले सकते हैं। ये अलमीरा इस तरह से बंद, और ये आप देख सकते हो ये आप देख रहे गैलरी है यहाँ पे। और अब मैं खा लेती हूँ खाना, फिर मैं उठती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी हम खा लेते हैं सोया चाप, ये है भिंडी और ये पूरी। तो खाना हम घर से लेके आए थे, अब खा लेते हैं हम खाना। यहाँ बैठे हैं अति, जो मैं यहाँ बैठा है रवि, और यहाँ सामने चल रहा है इंडिया श्रीलंका का मैच, और मैं खा लेती हूँ खाना। तो मिलते हैं अब से खाना खाने के बाद। फ्रेंड्स, खाना वाना मैंने खा लिया, मैं रेस्ट कर लेती हूँ। ये देख सकते हो यहाँ मैं रेस्ट करूँगी, और पीछे और यहाँ पे चल रहा है मैच, तो रवि मैच देख रहा है। खाना वाना खा लिया, खाना ना हम घर से ले आए थे ना, तो अच्छा सही रहा, घर से खाना लिया है तो बस घर से खा लिया है बस। सो फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और शाम को मैं आपको दिखाऊंगी अपने बाकी बिहारी जी से, कान्हा जी से मिलवाऊंगी। बहुत मन है बेसब्री से, मतलब मैं ना परसों मार्केट गई थी ससुर, मतलब करवा चौथ की अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग करने, तो ना मैं उनकी ड्रेस ढूंढ रही थी क्योंकि दिवाली आ रही है, तो कान्हा जी के कपड़े लेने थे, ड्रेस लेनी थी, तो मिले नहीं, कुछ मिले थे ना, मतलब जचा नहीं। तो अब सच में बहुत मन था वृंदावन आने का, सोचती थी कभी हमें भी बुला लो माता रानी, कभी हमें भी बुला लो कान्हा जी अपने द्वार। आज फाइनली कान्हा जी ने मुझे अपने पास बुला ही लिया, तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बस हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर शाम को चलेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो इसी बात पे बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और पीछे चल रहा है मैं, सब हो गया चाय का टाइम, और आरती ले आई है यहाँ से बाहर से चाय, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब बाहर से आप मंगवा सकते हो रूम सर्विस, मतलब डिलीवरी अवेलेबल है। तो यहाँ ले आई आरती चाय। आज का चाय का साइज कितना छोटा हो गया कप का, ये देख सकते हो, यहाँ डाल रही आरती चाय। अब हम पियेंगे गर्मा गर्म चाय। सब फ्रेंड्स, अब मैं पीऊंगी चाय, क्योंकि चाय के बिना पहाड़ियों की तरह शाम हो सुबह हो इनकम्प्लीट ही रहती है। तब पीती चाय, फिर आपको रिव्यू देती हूँ।
इट वॉज नाइस रियली अच्छी मिली है, एकदम घर वाला टेस्ट है। चाय पी के बताओ कैसी लग रही है। तो रवि चाय कैसी लग रही है पी के देखो। रवि चाय कैसी बनी है। एसी तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं एसी भी है। अब एसी तो है लेकिन एसी का क्या करना क्योंकि अब तो ठंड आ गई है। तो हम चाय पीते आप भी पियो थोड़ी सी। आई नो ये देख सकते हो चाय अच्छी है चाय। तो मैं पीती हूँ चाय फिर आपसे मिलूंगी मंदिर में थोड़ी देर में। अभी मैं थोड़ा सा सोच रही फ्रेश हो जाऊँ यही कपड़े पहनूँ। फ्रेश तो मैं हो गई हूँ ये कपड़े भी मैं लाई हूँ देखती चेंज करूँगी या इसी में। वैसे आलस बहुत आ रहा है तो मिलते हैं आपसे जल्दी। ओ फ्रेंड्स अब मैं नहा लेती हूँ सोच रही हूँ नहा ही लेती हूँ अब आई हूँ। तो यहाँ चला लेते हैं। ये है वॉशरूम। वॉशरूम क्या ही दिखाना। और मैंने गीजर ऑन कर दिया क्योंकि ठंड में रहने थोड़ा कोल्ड हो रहा है मेरी तबीयत भी ख़राब है तो इसलिए मैंने गीजर ऑन कर लिया। मैं गर्म पानी से नहाऊंगी। कितने लोगों ने शुरू किया वैसे तो मैं अभी तक घर पे तो ठंडे से ही नहा रही थी लेकिन अब मैं गीजर सोच रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है क्योंकि चांस नहीं ले सकते तो इसलिए बस गीजर ऑन कर लिया है। जैसे पानी गर्म होता है नहाते। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये है हमारा ये मैं शैम्पू वगैरह ले आई हूँ। ये है वॉशरूम एंड ये मैंने गीजर ऑन कर लिया है बस। और अभी मैं ये वाला आउटफिट सूट पहन लेती हूँ ये आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अब मैं नहा लेती हूँ मिलती है आपसे थोड़ी। तो वेलकम बैक फ्रेंड मैं हो गई तैयार ये आप देख सकते हो। और मैंने पहन लिया है अपना आउटफिट। ये सूट आप पहले भी मेरे कई ब्लॉग में देख चुके होंगे देखा है कि नहीं मुझे भी याद नहीं है पर एक्चुअली मैं इसको पहन चुकी हूँ तो मैंने वही पहन लिया। काफ़ी अच्छा लगता है और ये मकाबला लाइट वेट भी है और एलिगेंट सा भी है तो यही पहन लिया। मंदिर जा रहे हैं तो इसलिए और अपने कान्हा जी से मिलने जा रहे हैं तैयार होके ना जाए तो ऐसे तो ठीक नहीं लगता। तो चलिए चलते हैं चैनल पर बने रहिए।